Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learned about Standard 2 English Grammar Chapter Number 5. Countable Noun and Uncountable Noun. तो countable noun किसे कहते हैं? जिस चीज को हम गिन सकते हैं उससे countable noun कहते हैं और uncountable noun यानी कि जिस चीज को हम नहीं गिन सकते उसको uncountable noun कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिख के दिया है, सम नेम्स कैन बी काउंटेड, यानी कि हम कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। दीज हैव अ सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज अ प्लूरल फॉर्म, यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लूरल फॉर्म में भी दिया हुआ होता है। When a noun talks of one thing, the noun is of singular number. यानी कि हमें कोई एक चीज़ के बारे में बात की गई हो तो उसको हम singular number कहते हैं। When a noun talks of more than one thing, the noun is of plural number. यानी कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा के बारे में बातचीत की गई हो या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया हो तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो ऐसे हमें एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर ए। लुक एट दिस सीन, लेबल द पिक्चर्स एज सिंगुलर और प्लूरल नाउन इन द बॉक्सेस, यानी कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें से हमें पिक्चर में जो बॉक्स दिए है उसमें सिंगुलर फॉर्म हो तो उसमें हमें एस लिखना है और प्लूरल फॉर्म में हो तो हमें उसमें पी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दो बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वो किस फॉर्म में है, दो है तो वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पी। फिर बसेस दी है, बस है, एक से ज़्यादा है तो वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, पी। फिर नेक्स्ट हमें एक बड़ा सा ट्री दिया है, वो एक ही दिया है तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर नाउन, यानी कि क्या लिखेंगे, बॉक्स में एस। फिर देखिए हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वो एक ही दिया है तो वो क्या हुआ, सिंगुलर, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, एस। फिर ऐसे ही नीचे हमें ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, वो एक से ज़्यादा है तो वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, बॉक्स में पी। फिर नेक्स्ट हमें ये कैट दिखाई दे रही है, वो एक से ज़्यादा है तो वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, पी। फिर नेक्स्ट देखिए हमें ये काऊ दिखाई दे रही है, वो काऊ एक से ज़्यादा है तो वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, पी। फिर देखिए ये बॉय दिखाई दे रहा है, वो अकेला ही है, वो एक ही बॉय दिया है पिक्चर में तो वो क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, एस। फिर देखिए हमें नीचे ये मुर्गी दिखाई दे रही है, वो एक मुर्गी दी है पिक्चर में तो वो क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एस। फिर देखिए हमें यहाँ पे नीचे की और बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, वो क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, पी। फिर देखिए हमें ये बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, वो एक ही दी है पिक्चर में तो वो क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, बॉक्स में एस। फिर देखिए हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, वो एक ही रास्ता है तो वो क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म, तो उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, एस। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये जो पिक्चर दी है उसमें और भी जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में हो तो एस लिखना है बॉक्स में और प्लूरल फॉर्म में हो तो वो बॉक्स में हमें पी लिखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किससे कहते हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। टू मोस्ट वर्ड्स एड एस, यानी कि मोस्ट ऑफ वर्ड्स में हमें एस लगाना होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है डॉग तो उसमें एस लगाएंगे लास्ट में तो क्या हो जाएगा, डॉग्स। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लिखा है, टू वर्ड्स एंडिंग इन अ वोवेल प्लस वाई, तो कोई हमें वर्ड्स में लास्ट में वाई दिया हो या फिर कोई वोवेल दिया हो तो उसमें हमें क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है, जैसे कि एग्जांपल दिया है की तो उसमें हम एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कीज। फिर नेक्स्ट लिखा है, टू वर्ड एंडिंग इन एस एस एच, तो और लिखा है सी एच,
तो कोई वर्ड्स में हमें एंड में एस दिया हो, एस एच दिया हो या फिर सी एच दिया हो तो उस वर्ड में हमें क्या ऐड करना होगा, ई एस। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है क्रश, तो उसके पीछे देखिए लास्ट वर्ड में हमें सी एच दिया है तो उसके वर्ड में हमें क्या ऐड करना होगा, लास्ट में ई एस, तो क्या हो जाएगा, क्रशिस। तो देखिए ऐसे हमें कुछ नीचे पिक्चर्स दिए हैं सिंगुलर फॉर्म में। तो देखिए ये एक कार दिखाई दे रही है, फिर एक टॉय है, एक कॉइन है, एक एप्पल दिया है, एक डॉट दिया है, तो वो सारे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। फिर नेक्स्ट देखिए एक से ज़्यादा कार्स दिखाई दे रही है, फिर एक से ज़्यादा टॉयज है, एक से ज़्यादा कॉइन्स है, एक से ज़्यादा एप्पल्स दिए हैं और एक से ज़्यादा डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आगे पिक्चर्स दिए हैं, जैसे कि देखिए बस एक है, फिर बेंच भी एक दिया है, डिश एक दी है, पोटैटो एक है, ज़ीरो भी एक दिया है और मैंगो भी एक है, तो वो सारा क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म में। और नीचे देखिए बसेस, एक बस यानी कि एक से ज़्यादा बस है, बेंच भी एक से ज़्यादा दिखाई दे रही है, डिश भी एक से ज़्यादा दी है, पोटैटोज़ भी एक से ज़्यादा है, ज़ीरोस नंबर भी एक से ज़्यादा दिए हैं और मैंगोज़ भी एक से ज़्यादा है, तो वो सारे क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट द करेक्ट प्लूरल विथ एस और ई एस, यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसका करेक्ट प्लूरल लगाना है, यानी कि जो वर्ड्स दिए हैं उसमें एस आता हो तो एस लगाना है और जिसमें ई एस आता हो तो उसमें हमें ई एस लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कार, तो हम एंड ऑफ क्या लगाएंगे वर्ड के, एस, तो क्या हो जाएगा, कार्स। फिर लिखा है टेबल, तो उसमें लास्ट एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल्स। फिर लिखा है चीक, तो उसके पीछे क्या होगा वर्ड में, एस, तो क्या होगा, चीक्स। फिर लिखा है फ्लावर, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, एस, तो क्या होगा, फ्लावर्स। फिर लिखा है फ्रॉग, तो उसका क्या बनेगा करेक्ट प्लूरल, फ्रॉग्स। फिर लिखा है विश, तो देखिए उस वर्ड में हमें पीछे एच दिया है, तो मैंने आपको आगे बताया था कि जिसमें एस दिया हो, एस एच दिया हो या फिर सी एच दिया हो तो उसके पीछे हमें ई एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, विशिश। फिर लिखा है मैंगो, तो क्या होगा, मैंगोज। फिर लिखा है बॉक्स, तो देखिए पीछे एक्स दिया है तो उसमें भी हमें ई एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, बॉक्सिस। फिर लिखा है पोटैटो, तो उसका करेक्ट प्लूरल क्या होगा, पोटैटोज। फिर लिखा है बॉय, तो उसका करेक्ट प्लूरल क्या होगा, बॉयज। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसके करेक्ट प्लूरल लिखने हैं, जिसमें एस आता हो उसमें एस लगाना है और जिसके पीछे ई एस आता हो उसके पीछे ई एस लगाना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सरसाइज नंबर सी, रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें जिस वर्ड के नीचे हमें अंडरलाइन दी है वो अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, और प्लूरल फॉर्म में हो तो उसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरा सेंटेंस रीराइट करना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, द वेजिटेबल्स आर इन द बैग, तो किसके नीचे अंडरलाइन की है, बैग, तो उसका परफेक्ट नाउन क्या बनेगा, बैग्स। तो हम रीराइट कैसे लिखेंगे, द वेजिटेबल्स आर इन द बैग्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, द ड्रेसेस आर इन द कबर्ड्स, तो देखिए हमें किसके नीचे अंडरलाइन दी है, कबर्ड्स, तो हम रीराइट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द ड्रेसेस आर इन द कबर्ड। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, द एप्पल्स आर ऑन द ट्रीज, तो देखिए किसके नीचे अंडरलाइन दी है, ट्रीज, तो उसका क्या बनेगा, ट्री। तो हम पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द एप्पल्स आर ऑन द ट्री। फिर नेक्स्ट फोर सेंटेंस क्या दिया है, द गर्ल्स आर इन द क्लासरूम्स, तो किसके नीचे अंडरलाइन दी है, क्लासरूम्स के नीचे, तो उसका करेक्ट क्या होगा, क्लासरूम। तो हम पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द गर्ल्स आर इन द क्लासरूम। फिर नेक्स्ट फाइव क्या दिया है, द बॉयज आर ऑन द स्विंग, तो किसके नीचे हमें अंडरलाइन दिए है, स्विंग, स्विंग यानी कि झूला, तो उसका रीराइट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द बॉयज आर ऑन द स्विंग।
फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्स नंबर पे द फ्लावर्स आर इन द वेज, यानी कि जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक फूलदानी कहते हैं ना उसमें है, तो वेज के नीचे हमें अंडरलाइन दी है, तो उसका रीराइट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द फ्लावर्स आर इन द वेज। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, क्या कहा है कि जो सेंटेंस दिया हो उसमें हमें जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन दी हो वो अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसका प्लूरल फॉर्म लिखना है, और प्लूरल फॉर्म में दिया हो तो सिंगुलर फॉर्म में बनाना है, और जो पूरा सेंटेंस है वो फिर से लिखना है। तो हमने यहाँ तक देखा एक्सरसाइज नंबर सी तक कि क्या करना है। थैंक यू बच्चों। स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे येलो बॉक्स में क्या लिखा है, टू वर्ड्स एंडिंग इन एफ एड वीईएस, यानी कि कोई वर्ड्स दिया हो जिसमें एंड में एफ आता हो तो हमें उसमें एफ निकाल के वीईएस ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है लीफ, तो क्या होगा, लीफ का स्पेलिंग क्या है, एल ई ए एफ, तो देखिए वर्ड के एंड पे क्या लिखा है, एफ, तो हमें एफ निकाल के क्या ऐड करना है, वीईएस, तो क्या हो जाएगा, एल ई ए वीईएस, यानी कि लीव्स। फिर जैसे कि और भी दिया है रूफ, तो उसमें से एफ रखना है और ऐड क्या करना है, एस, तो क्या हो जाएगा, रूफ्स। फिर ऐसे ही हमें कुछ सिंगुलर में लिखा है थीफ, यानी कि चोर, तो उसका प्लूरल फॉर्म में क्या होगा, थीव्स। फिर लिखा है सिंगुलर फॉर्म में वाइफ, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वाइव्स। फिर लिखा है वुल्फ, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वुल्व्स। फिर लिखा है लीफ, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लीव्स। तो इन सब में सारे वर्ड्स के एंड में एफ है, तो हमें एफ निकाल के एंड में वीईएस लगाना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, टू वर्ड्स एंडिंग विद अ कॉन्सनंट प्लस वाई एड आईईएस, यानी कि कोई हमें कॉन्सनंट यानी कि व्यंजन दिया हो प्लस वर्ड में वाई दिया हो तो हमें पीछे क्या ऐड करना होगा, वर्ड्स में आई ई एस। जैसे कि एग्जांपल दिया है बेबी, तो देखिए बेबी के वर्ड में पीछे क्या आता है, वाई, तो हमें वाई निकल के क्या ऐड करना है, आई ई एस, तो क्या हो जाएगा, बेबीज। तो ऐसे ही देखिए सिंगुलर फॉर्म में क्या लिखा है, वरी, वरी यानी कि चिंता करना, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वरीज, तो देखिए उसमें वाई निकाल के पीछे आई ई एस लगाया है। फिर लिखा है स्टोरी, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, स्टोरीज। फिर सिंगुलर फॉर्म में लिखा है स्पे, स्पे यानी कि जादूगर, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, स्पीस, स्पे यानी कि जासूस। फिर लिखा है बेबी, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बेबीज। फिर लिखा है डायरी, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डायरीज। तो इन सब में हमें वर्ड्स में जो लास्ट में वाई आता है वो वाई को निकाल के हमें उसमें आई ई एस ऐड करके दिया है। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर टी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन प्लूरल, यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंटेंस दी है उसमें जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन की है उसका करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, और ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमें प्लूरल फॉर्म में दिए हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, द थीव्स हाइड बिहाइंड अ ट्री, तो थीव्स यानी कि चोर, तो जो चोर है वो झाड़ के पीछे छुपा हुआ है, तो उसमें देखिए किसके नीचे अंडरलाइन की है, थीव्स, तो उसका स्पेलिंग क्या दिया है, टी एच ई आई वी ई एस, तो उसका सब यानी कि उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, टी एच आई ई वी ई एस। तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस कैसे लिखा है, द Thieves hide behind a tree. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है सेंटेंस, आई लाइक टू रीड न्यू स्टोरीज, तो देखिए उसमें स्टोरीज क्या क्या स्पेलिंग दिया है, एस टी ओ आर आई वी ई एस, तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, एस टी ओ आर आई ई एस, उसमें से वी निकल जाएगा। तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस कैसे लिखा है, आई लाइक टू रीड न्यू स्टोरीज। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, माई अंकल्स वर्क एज स्पीज, मैंने आपको आगे बताया था स्पीज यानी कि जासूस, तो उसमें देखिए स्पीज का स्पेलिंग क्या दिया है, एस पी वाई एस, तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, एस पी आई ई एस,
तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस कैसे लिखा है, माय अंकल वर्क एज स्पीज। फिर नेक्स्ट फोर्थ पे क्या लिखा है, सीताज बेबीज आर इन द प्रार। तो देखिए बेबीज का स्पेलिंग क्या दिया है, बी ए बी वाई एस, तो उसमें से वाई निकल जाएगा और क्या जुड़ेगा लास्ट में, आई ई एस। तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस कैसे लिखा है, सीताज बेबीज आर इन द फार्म। फिर फाइफ्थ में क्या लिखा है, फिफ्थ में द टॉयज आर केप्ट ऑन द सेल्फिस। तो देखिए सेल्फिस के नीचे अंडरलाइन की है, तो उसका स्पेलिंग क्या दिया है, क्या दिया है, एस एच ई एल एफ आई ई एस। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, एस ई एल एफ आई ई एस। तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस क्या लिखा है, द टॉयज आर केप्ट ऑन द सेल्फिस। फिर सिक्स पे क्या लिखा है, देयर वाइफ्स आर इन दैट बिल्डिंग। तो देखिए वाइफ के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो उसमें स्पेलिंग क्या दिया है, W I F E S। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, W I V E S। तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस कैसे लिखा है, देयर वाइव्स आर इन दैट बिल्डिंग। फिर सेवेंथ पे क्या लिखा है, द वुल्व्स गेव अ लाउड ओल। तो देखिए किसके नीचे अंडरलाइन दी है, वुल्फ। तो देखिए उसका स्पेलिंग क्या दिया है, W O L F E S। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, W O L V E S। तो देखिए मैंने रीराइट सेंटेंस कैसे लिखा है, द वुल्व्स गेव अ लाउड ओल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो इस सेंटेंस में हमें जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसका करेक्ट स्पेलिंग बनाना है और वो सेंटेंस फिर से हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, इरेगुलर काउंटेबल नाउन। तो चलो देखते हैं इरेगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। सम नाउन्स डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन द यूजुअली वे, यानी कि यूजुअली हमें कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं दिए होते हैं। दीज आर कॉल्ड इरेगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि उसे काउंट इनरेगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो क्या कहा है कि यूजुअली हमें कुछ नाउन्स ऐसे भी दिए होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए जैसे कि सिंगुलर फॉर्म में क्या दिया है, मैन, तो उसका प्लूरल फॉर्म में क्या बनेगा, एम ई एन। फिर नेक्स्ट सिंगुलर फॉर्म में क्या लिखा है, गोस, जी डबल ओ एस ई, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, गोस, जी डबल ई एस ई। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, माउस, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, माइस। फिर लिखा है चाइल्ड, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, चिल्ड्रन। फिर लिखा है ऑक्स, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, ऑक्सिन। फिर लिखा है टूथ, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, टीथ। तो ये सब क्या है, इरेगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसे ही हमें आगे कुछ एक्सरसाइज दी है उससे रिलेटेड, तो क्या दी है, एक्सरसाइज नंबर ई, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी है उसका प्लूरल फॉर्म लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है, द मेन्स आर इन द रूम, तो मेन्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मेन, तो क्या होगा, एम ई एन। फिर फर्स्ट में क्या लिखा है, द गोसेस स्विम इन द पॉन्ड, तो गोसेस यानी कि बतख, तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, गोसेस, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जी डबल ई एस ई। फिर नेक्स्ट सेकेंड पे क्या लिखा है, द चाइल्ड्स आर हंग्री, तो किसके नीचे अंडरलाइन दी है, चाइल्ड्स, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चिल्ड्रन। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, हर टूथ्स आर येलो, तो किसके नीचे अंडरलाइन दी है, टूथ्स, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, टीथ। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, द ऑक्सिस वेंट टू द मार्केट, तो किसके नीचे अंडरलाइन दी है, ऑक्सिस, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ऑक्सिन। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, द माउसिस एट द चीज, तो किसके नीचे अंडरलाइन दी है, माउसिस, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, माइस। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन,
सम नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि कुछ नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं दिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है मनी टाइम मिल्क इटीसी, तो मनी टाइम और मिल्क को हम नहीं गिन सकते, तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे ही हमें एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर एफ, कलर द बॉक्सेस दैट कॉन्टेन अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि हमें यहाँ पे जो बॉक्स दी है उसमें से जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसमें हमें कलर फिलअप करना है। तो फर्स्ट रो में क्या लिखा है, न्यूज़ पार्क्स हेयर वाटर, तो उसमें हम न्यूज़ को गिन सकते हैं, पार्क्स को भी गिन सकते हैं, हेयर को भी हम गिन सकते हैं, तो लास्ट क्या है, वाटर, तो वाटर को हम नहीं गिन सकते, उसको वन वाटर टू वाटर ऐसा नहीं बोलते, तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस बॉक्स में हमें कलर फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट रो में क्या लिखा है, हेलमेट बटर शुगर गर्ल्स, तो हम हेलमेट को गिन सकते हैं, शुगर को भी गिन सकते हैं और गर्ल्स को भी गिन सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हुआ, बटर, तो बटर को हम नहीं गिन सकते, हम ऐसा नहीं बोलते कि वन बटर टू बटर थ्री बटर, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो हम जो बटर का बॉक्स दिया है उसमें कलर फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में क्या लिखा है, म्यूजिक बेड्स राइस जूस, तो हम म्यूजिक को गिन सकते हैं, बेड को भी गिन सकते हैं, राइस को भी गिन सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या हुआ, जूस, तो हम ऐसा नहीं बोलते वन जूस टू जूस, ये कोई परफेक्ट नहीं है, तो क्या हुआ, जूस, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो हम इस बॉक्स में कलर फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में क्या लिखा है, चेयर बसेस डेस्क कोट्स, तो चेयर क्या है, कुर्सी, तो उसको हम गिन सकते हैं, बस को भी गिन सकते हैं, डेस्क को भी गिन सकते हैं, कोट्स यानी कि पारना, तो उसको हम नहीं गिन सकते, तो हम कोट्स के बॉक्स पे कलर फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, लव आइसक्रीम ओल सोफास, तो हम आइसक्रीम को गिन सकते हैं, ओल्स को भी गिन सकते हैं, सोफास भी गिन सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, लव, तो हम लव को नहीं गिन सकते, तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमें इस बॉक्स में कलर फिलअप करना है। तो हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या कहा कि जो हमें सारे लाइन में वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो अनकाउंटेबल नाउन हो उस बॉक्स में हमें कलर फिलअप करना है। तो हमारा यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का सारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों। फ्रेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर देयर, यानी कि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव दिया है उसमें कितने पर्सन या फिर कितनी चीज़ें हैं उससे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि एग्जांपल दिया है फर्स्ट टू इटीसी। तो ऐसे ही एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर आई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें से एडजेक्टिव के कितने नंबर होते हैं वो यहाँ पे हमें ब्लैंक में लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, अ लीप ईयर हैज़ ब्लैंक डे, यानी कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। फिर नेक्स्ट क्या है, द क्लॉक हैज़ ब्लैंक हैंड्स, यानी कि क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं, 3। फिर सेकंड, थर्ड क्या है, अ स्क्वायर हैज़ ब्लैंक कॉर्नर्स, यानी कि स्क्वायर के कितने कॉर्नर होते हैं, आंसर क्या होगा, 4। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, अ स्टारफिश हैज़ ब्लैंक आर्म्स, यानी कि स्टारफिश के कितने आर्म्स होते हैं, आंसर क्या होगा, 5। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, अ डेकेड हैज़ ब्लैंक ईयर्स, यानी कि डेकेड में कितने ईयर्स होते हैं, आंसर क्या होगा, 10। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, एन ऑटो रिक्शा हैज़ ब्लैंक व्हील्स, यानी कि ऑटो रिक्शा के कितने व्हील्स होते हैं, आंसर क्या होगा, 3। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, संडे इज़ द ब्लैंक डे ऑफ द वीक, यानी कि जो वीक में जो संडे होता है वो कौन सा दिन होता है, 1st,
यानी कि वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो वीक में सबसे पहला दिन कौन सा होता है? संडे। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? देर आर ब्लैंक आवर्स इन अ डे, यानी कि हर दिन यानी कि दिन में कितने घंटे होते हैं? आंसर क्या होगा? 24। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? जनवरी इज द ब्लैंक मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर में जो जनवरी मंथ है वो कौन सा है? फर्स्ट, यानी कि जनवरी जो मंथ है वो सबसे पहले ईयर में आता है। फिर नेक्स्ट क्या है? द ब्लैंक डे ऑफ डिसम्बर इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस, यानी कि जो डिसम्बर में क्रिसमस मनाते हैं हम, सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन से दिन में मनाते हैं डिसम्बर में? तो आंसर क्या होगा? 25th डे, यानी कि 25th डे पे हम डिसम्बर में क्रिसमस मनाते हैं। तो ये जो सारे आंसर है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जे। राइट सेंटेंसेस फॉर ईच व्हीकल यूजिंग एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए व्हीकल के, हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आती हो और उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी दी है? एक कार दी है। तो वो कार कैसी है? ब्लू। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई हैव ब्लू कार। तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि ये कार कैसी है? ब्लू कलर की। तो वो क्या हुआ? क्वालिटी। फिर इट हैज़ फोर व्हील, यानी कि उसके फोर पहिए होते हैं। तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी दी है? एक रेड बस दी है। तो हम क्या लिखेंगे? द रेड बस इज ब्रिंगिंग हिम, यानी कि हमें ये बस दी है वो कौन से कलर की है? रेड कलर की। तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट हैज़ फोर, इट हैज़ टू फ्लोर, यानी कि ये जो बस है टू फ्लोर की है। तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर थर्ड पिक्चर है वो किसकी दी है? ट्रेन की। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? दिस पिक्चर ऑफ अ रेड ट्रेन विथ ग्रे इंजन, यानी कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो पिक्चर किसकी है? ट्रेन की। तो ट्रेन है वो रेड कलर की है और उसका इंजन है वो ग्रे कलर का है। तो वो क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। इट हैज़ वन इंजन एंड मैनी ट्रॉलीज, यानी कि जो ट्रेन है उसमें एक वन इंजन है और कई सारे ट्रॉलीज है, जो पीछे डब्बे जैसे दिखाई दे रहे होते हैं ट्रेन के पीछे, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रॉलीज। तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी दी है? प्लेन की। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? दिस इज द पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विच हैज क्या लिखा है? विच हैज, यानी कि ये जो प्लेन है वो वाइट कलर का है, यानी कि ये जो प्लेन दिया है वो किस कलर का दिखाई दे रहा है? वाइट कलर का। टू विंग्स एंड वन टेल, यानी कि ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है उसमें टू विंग्स, यानी कि कैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो विंग्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पंखे, और वन टेल यानी कि एक पूंछ जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो पिक्चर दी है वो किसकी दी है? प्लेन की। और वो प्लेन कैसे कलर का है? वाइट कलर का। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें किसकी पिक्चर दी है? हावर क्राफ्ट की। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? द हावर क्राफ्ट इज ऑफ ब्लू कलर, यानी कि ये जो हावर क्राफ्ट है वो ब्लू कलर का है। इट हैज टू टॉर्बिन फैंस, यानी कि देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उसमें दो टॉर्बिन फैंस होते हैं। तो वो क्या हुआ? नंबर ऑफ एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट पिक्चर दी है किसकी दी है? बाइसिकल। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई गो टू वर्क बाय माई न्यू बाइसिकल, यानी कि मैं अपने वर्क में बाइसिकल लेकर जाता हूँ। तो आप कहीं स्कूल या फिर ट्यूशन में जाते हो तो बाइसिकल लेकर जाते होगे। इट हैज़ टू पेडल्स, यानी कि उसके दो पहिए होते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ नंबर पे क्या है? एक स्टीम की यानी कि सिप की पिक्चर दिखाई दे रही है।
तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? द शिप इज फ्लोटिंग ऑन ब्लू ओशियन, यानी कि ये जो शिप है वो ब्लू कलर का ओशियन, यानी कि जो समंदर होता है उसमें ब्लू कलर का पानी होता है, तो उसमें फ्लोटिंग यानी कि ये जो शिप है उसमें तैर रही है। इट हैज़ वन चिमिंग, यानी कि देखिए हमें ऊपर की तरह कैसे एक दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? चिमेंज। तो क्या हुआ? इट हैज़ वन चिमेंज। फिर नेक्स्ट 8 नंबर पे किसकी पिक्चर दी है? बुलक कार्ट। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? द बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय वन बुल, यानी कि ये जो बुलक कार्ट है वो वन बुल से खींचा जाता है। इट हैज़ टू टायर्स, यानी कि उसके दो पहिए होते हैं। तो वो क्या हुआ? नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे क्या कहा है कि जो हमें पिक्चर्स दिए व्हीकल के, उसके ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आती हो, यानी कि जो पिक्चर्स दिया है उसका विशेषण इसमें कोई क्वालिटी हो, या और एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि नंबर भी आता हो। तो ऐसे सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको बना के दिए हैं।